अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये आज जनाब वही साहब डायरेक्टर साहब की जो तहनीत की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह आदिलाबाद के आइमा और मुअज्जिनीन के जो मसाइल है, उन मसाइल की एक्सरसाइज ने आपने बहुत नुमाया किरदार अदा किया, जिनकी वजह से आज तकरीबन तमाम आइमा के काम इख्तिताम को पहुंचे हैं। अल्लाह ताला जनाब वही साहब की उम्र दराज करे और इनको मजीद इसी तरह खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम क्या है सो जिम्मेदारान की तरफ से जनाब कोसी जिले से क्या है तंजीम आइमा व मुअज्जिनीन आदिलाबाद की जानिब से जनाब अब्दुल वहीद साहब की तहनीत पेश कर रहे हैं, इस वजह से कि जनाब अब्दुल वहीद साहब और आइमा व मुअज्जिनीन के जो मसाइल थे, अल्लाह के फजल व करम से पूरे मसाइल को आपने क्या है सो हल किया है, हर वक्त क्या है सो आपने हमारा साथ दिया है। इसी तरीके से हमारे जोगो रामन्ना साहब और जनाब अतहरुल्ला साहब ने भी इसके अंदर भरपूर हमारी क्या है सो रहनुमाई की है। तो हम एमएलए साहब और अब्दुल वहीद साहब डायरेक्टर और अतहरुल्ला साहब का क्या है सो शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बढ़ चढ़ कर क्या है सो इस काम को क्या है सो अंजाम तक पहुंचा है। अल्लाह ताला इनको क्या है सो मजीद इसके अंदर तरक्की अता फरमाए और नजर बस से हिफाजत फरमाए। हम तमाम आइम्मा की जानिब से जनाब अब्दुल वहीद साहब का क्या है सो शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिले आदिलाबाद से ताल्लुक रखने वाले आइम्मा हजरात की तंजीम के लोग हमारे दफ्तर वक्फ बोर्ड हेडक्वार्टर्स पर हाजिर हुए और आप तमाम ने तेलंगाना हुकूमत की बेमिसाल इस्कीमात की तारीफात की और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हुकूमत के वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब के हम शुक्र गुजार हैं जिन्होंने हमारी मस्जिदों को मदरसों को साथ ही साथ उन आइमा हजरात को उलमाए कराम को याद किया जो हमेशा मस्जिदों की और आवाम की रहनुमाई के लिए रहते हैं। मैं केसीआर साहब का शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने आइमा हजरात के लिए बहुत ही अच्छे पैमाने पर हॉनरियम यानी इशाया रखा है, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। और आज अल्लाह के फजल करम से मौलाना मंजूर साहब और उनके दीगर हाफिज अबू बकर साहब और दीगर तमाम उलमाए कराम और आइमा मसाजिद का मैं बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने यहाँ पर वक्फ बोर्ड पहुंचकर मुझको एक तहनीत पेश की। ये मेरी तहनीत नहीं बल्कि हुकूमत तेलंगाना की तहनीत है क्योंकि हुकूमत तेलंगाना के वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की इस जबरदस्त इस्कीमात की वजह से आज हमको इस तरीके की इज्जत मिल रही है। मैं केसीआर साहब का और उनके फर्जन कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का शुक्र गुजार हूँ और इंशाल्लाह मैं आप तमाम को वादा दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह जो भी वक्फ बोर्ड के जरिए हो सके जो भी काम हो सके इंशाल्लाह आदिलाबाद न सिर्फ आदिलाबाद बल्कि तेलंगाना के हर अजला के हर डिस्ट्रिक्ट के हर मोहल्ले के चाहने वालों के लिए वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से जो हो सके इंशाल्लाह जरूर इनकी खिदमत में रहेगा। इंशाल्लाह हमारा वक्फ बोर्ड इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे काबिल लोगों पर है,
इंशाल्लाह हमारे यहाँ पर काम करने वाले स्टाफ भी बहुत अच्छे दानिश्वर और तालीम याफ्ता लोग हैं। इंशाल्लाह आगे भी वक्फ बोर्ड हुकूमत की तमाम इसकी बात को आवाम तक ले जाएगा। इंशाल्लाह टीआरएस हुकूमत जितने काम वक्फ बोर्ड के जरिए करा रही है, जैसे कि 10,000 से जायद आयमा हजरात को आज हॉनरियम दिया जा रहा है, न सिर्फ हॉनरियम बल्कि मस्जिद को, दरगाहों को ग्रांटिनेट भी दिया जा रहा है, ये काम भी वक्फ बोर्ड अंजाम दे रहा है। न सिर्फ ये काम बल्कि हुकूमत की तरफ से जो मलबूसात, जो गिफ्ट पैक दिए जा रहे हैं, उसका काम भी वक्फ बोर्ड की निगरानी में वक्फ बोर्ड के जरिए अमल में आ रहा है। और जो इफ्तार पार्टीज हो रहे हैं, इसमें भी वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा अहम रोल और बहुत बड़ा काम है। वक्फ बोर्ड व हुकूमत के हर लम्हे में, या तो हज का मसला हो, वक्फ बोर्ड अपनी खिदमात को देता है और तमाम चीजों में वक्फ बोर्ड हुकूमत के साथ है। इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड एक मजहबी इदारा है, न सिर्फ मजहबी इदारा है बल्कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसमें हुकूमत ने अच्छा तमाम काम करने वाले तालीम याफ्ता लोगों को इसमें रखा है। मैं मौलाना मंजूर साहब और हाफिज अबू बकर साहब और इनके दीगर साथियों का, आयमा कराम का, उलमाए कराम का मैं बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ नाचीज को एक तहनियत पेश की। ये तहनियत न सिर्फ यहाँ तक रहेगी बल्कि इसमें सबसे बड़ा रोल हमारी रियासत के वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब का है और जोगो रमाना साहब भी बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लिए हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा जुस्तजू रही है। मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे आयमा कराम का, हमारे उलमाए कराम का, हमारी मस्जिद के इमाम व खतीब हजरात का जो ख्याल रखा है, और खुसूसन मेरे दोस्त अख्तरुल्लाह का भी इसमें जो रोल रहा, और खुसूसन वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर नजमुद्दीन हो या मैं समझता हूँ साजिद भाई हो, ये लोगों का भी जो इंक्वायरी में बहुत ज्यादा कोऑपरेट करे हैं, मैं इन तमाम का भी मशकूर हूँ और वक्फ बोर्ड के दीगर स्टाफ का भी मैं बेहद मशकूर हूँ। जजाकल्लाह। आयशा मस्जिद के मौलाना साहब कौन देती है, इसमें बीच में आए तो बोले थे, मतलब उन्होंने अप्लाई नहीं करे थे शायद, मसला बाद में आईडी नंबर बात का दिए, मतलब पहले नहीं करे थे बाद में दिए, तो कंटिन्यू करने लगे। रिपोर्टर कट कर दो।